जी तो मिसेज उमेर, इस एनवेलप को देख के आपके क्या तासुरात हैं? ये क्या है उमेर? ये आपके हस्बैंड ने आपके साथ हनीमून पे जाने का प्लान बनाया, वो भी पेरिस में। ये उसकी एयर टिकट्स हैं। What? Yes. और तुम्हारा यही एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए मैं इतनी देर से वहां छुपा बैठा हुआ था, तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था। तुम सच कह रहे हो, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? ऑफ कोर्स जा रहे हैं, कोई ख्वाब नहीं देख रही तुम। हमारी परसों पेरिस की वाकई फ्लाइट है, वी गोइंग। वाओ। अच्छा इसे तो बंद करो। इसे रखो जरा एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। देखो आई नो के मेरे घर वालों के सामने मेरा तुमसे बिहेवियर कभी कभार अजीब सा हो जाता है। तुम्हें लगता होगा कि मैं कुछ रियलाइज नहीं करता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ आई नो। खुद सोचो तुम, मेरे डैड जिन्होंने बचपन से पाला है मुझे, अगर उनके साथ मैं सिंसेयर नहीं हूँगा तो तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा? इसीलिए कभी कभार घर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे उनके सामने तुम्हें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, ताकि हम सिर्फ इस घर में सुकून से रह सकें। लेकिन आई डोंट मीन दोस थिंग्स, वो सिर्फ एक ड्रामा होती है, फिर वक्ती तौर पर। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ड्रामेबाज हो। खुश हो? हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन अब तुम्हारे ऑफिस का क्या? तुमने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा अपना ऑफिस है, 15 दिन नहीं भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होता। तुम ऐसा करो कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ूंगा, फिर हम चलेंगे डिनर पे रात को, और वहां पे हम सारा प्लान करेंगे, हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है वहां पे। डन। ऑलराइट, आई एम गोना गेट रेडी।